हेलो फ्रेंड्स, यह पाइथन इन हिंदी चैनल और यह है लेसन नंबर 8। इसमें हम सीखेंगे लिस्ट इन पाइथन। ओके, तो लिस्ट बेसिकली क्या होता है? लिस्ट यानी कि एरे। ओके, एरे वेरिएबल जो होता है सी या सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर। ओके, तो उसी को पाइथन के अंदर लिस्ट बोला जाता है। ओके, तो लिस्ट बेसिकली क्या स्टोर करता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है। आप वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो, पर यदि आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यू सेम टाइप की या डिफरेंट टाइप की सेव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लिस्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे उसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स। ओके, एक्स इक्वल टू मैं यहाँ लिखता हूँ रेंज। ओके, तो रेंज जो है वो एक फंक्शन है पाइथन के अंदर जो कि रेंज डिफाइन करता है। ओके, यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ 1,11। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि रेंज 1,11 यानी कि 1 to 10 तक की रेंज। तो ये 1 to 10 जो वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक की वैल्यू, तो ये वैल्यू सारी एक्स में स्टोर हो जाएगी। ओके, ये देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल टू रेंज लिखा मैंने 1 to 11, तो 1 to 10 वैल्यू जो है वो एक्स में स्टोर होगी और एक्स जो वेरिएबल है वो एरे वेरिएबल बन जाएगा। ओके, और इसमें 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1 to 10 तक की। अब देखिए मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक्स। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया है। ओके, प्रिंट इनटू ब्रैकेट एक्स। ओके, तो रन करता हूँ, देखिए। ओके, यहाँ पर रेंज 1 to 11 आया, पर अगर उसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है 1 to 10 तक की वैल्यू, तो आपको फॉर लूप यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखिए मैं फॉर लूप लिखता हूँ, फॉर एन इन एक्स। ओके, इस तरीके से फॉर लूप लिखी मैंने और प्रिंट करता हूँ एन। ठीक है, तो क्या होगा अभी कि जो भी वैल्यू है एक्स के अंदर वो 1 by 1 किस में आएगी? एन में आएगी, और एन की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन के ऊपर। ओके, देखिए रेंज 1 to 11 यानी कि 1 से 10 तक के नंबर स्टोर हो गए हैं, और एक्स में से 1 by 1 नंबर जो भी है 1 to 10 लेके, वो सारे नंबर इसमें आएंगे और प्रिंट होंगे। ठीक है, तो ये फॉर लूप कब तक रोटेट होगी? जब तक इसमें एलिमेंट है तब तक। ओके, देखिए मैंने रन किया यहाँ पर और ये देखिए आउटपुट आया 1 to 10 तक का आउटपुट। ठीक है, तो 1 से 10 का आउटपुट आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप इजीली एरे क्रिएट कर सकते हो, कोई भी रेंज का एरे। ये देखिए मैं 5,11 लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में 5 से 10 तक की वैल्यू आएगी। ओके, आप कोई भी रेंज दे सकते हो। देखिए मैं 500 to 506। ओके, सेव, और मैं रन करता हूँ, तो देखिए 500, 501, 2, 3, 4 and 5। ओके, यानी कि -1 तक जाएगा, ये 506 है तो 505 तक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से इजीली आप पाइथन के अंदर रेंज स्टोर कर सकते हो, आपको टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 1 to 500 तक नंबर सेव करने हैं तो 1,501 लिखे यहाँ पर, तो 1 से 501 तक की सभी वैल्यू इसमें आ जाएगी। ओके, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो कि दूसरी लैंग्वेज में होता है। ओके, तो इस तरीके से रेंज का यूज़ करके बनाया जाता है। और दूसरी भी मेथड है, ये देखिए ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट कीजिए आप और उसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए 4, 3, 7, 1। ओके, इस तरीके से, तो ये भी एक एरे का एग्जांपल हो गया। ओके, आप रैंडम वैल्यू देना चाहते हो तो इस तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड
वैल्यू करके दे सकते हो। यदि आप सीरीज में वैल्यू देना चाहते हो तो रेंज फंक्शन आपके पास है। ओके, तो इस तरीके से बनाया जाता है एरे वेरिएबल। ओके, तो देखिए ये दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, बी इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दीजिए। ओके, तो इस तरीके से एरे बन जाएगा। अब अगर आपको नेम डिस्प्ले कराना है, ओके, तो देखिए नेम का एरे बनाते हैं हम, नेम इक्वल टू, यहाँ पर कोई भी नाम दे दीजिए। ओके, ओके, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा है, पर आप कोई भी नाम या एड्रेस या कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो ये नाम का एरे बन गया। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ओके, फोर लूप का यूज़ करके। तो फोर मैं वेरिएबल लेता हूँ एक्स इन नेम, ओके, और प्रिंट करता हूँ एक्स को। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी वैल्यू। रन करता हूँ यहाँ से। ओके, देखिए ये नाम डिस्प्ले हो गए आउटपुट में, GDP, MRP, MGB, जो भी नाम आप डालेंगे वो नाम डिस्प्ले हो जाएंगे। ओके, अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई भी नाम हो वो लिस्ट के अंदर है कि नहीं, तो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, देखिए मैं यहाँ पर नीचे कोडिंग लिखता हूँ, एक वेरिएबल में लेता हूँ फाइंड अंडरस्कोर नेम, ओके, इक्वल टू, मैं GDP लेता हूँ, तो ये फाइंड नेम वेरिएबल जो है उसके अंदर GDP है, तो हमें सर्च करना है कि इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो इस एरे में है कि नहीं, लिस्ट में है कि नहीं, वो हम अगर चेक करना हो तो हम कर सकते हैं। देखिए फाइंड देन इफ लिखना है पहले, देन फाइंड अंडरस्कोर नेम इन नेम। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो कोडिंग। तो यहाँ पर प्रिंट लिखें, और लिखे नेम फाउंड। ओके, तो देखिए यहाँ पर नेम के अंदर तीन नाम दिए हुए हैं, लिस्ट बड़ा भी हो सकता है आपके हिसाब से, और ये हमें सर्च करना है वेरिएबल की वैल्यू इसमें है कि नहीं। तो आप सिंपल तरीके से सर्च कर सकते हो, इफ़ यहाँ पर जो भी वेरिएबल फाइंड करना है वो वेरिएबल का नाम इन, और किस में फाइंड करना है, नेम के अंदर, यानी कि नेम ये जो है वो लिस्ट है। ओके, तो देखिए यदि ये जो नेम है वो फाइंड होगा तो ये डिस्प्ले होगा नेम फाउंड। ओके, ये देखिए यहाँ पर डिस्प्ले हो गया नेम फाउंड। ओके, आप एल्स पार्ट में लिख सकते हो कि नेम नॉट फाउंड। ओके, यहाँ पर मैं लिखता नहीं हूँ, पर आप ऐसा कर सकते हो। ओके, तो ये है तरीका लिस्ट बनाने का। ओके, अगर आप इंडिविजुअल डिस्प्ले करना चाहते हो, यानी कि प्रिंट इनटू ब्रैकेट नेम और जीरो, ओके, इस तरीके से मैंने कोडिंग किया, तो देखिए GDP डिस्प्ले हुआ। ओके, यानी कि क्या हुआ कि नेम जीरो, यानी कि जीरो पोजीशन पे क्या नाम है, जीरो GDP है, ये उसकी इंडेक्स वैल्यू है जीरो। लिस्ट के अंदर इंडेक्स वैल्यू होती है जो कि जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, तो जीरो पोजीशन पर ये GDP है, फर्स्ट पोजीशन पर MRP, और ये सेकंड पोजीशन पर वैल्यू है MGP। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो, प्रिंट नेम वन, ओके, प्रिंट नेम टू। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो इंडेक्स से आप गेट कर सकते हो, और यदि आपको सारी की सारी वैल्यू चाहिए डिस्प्ले करनी है तो आप फोर लूप का यूज़ इस तरीके से कर सकते हो। ओके, देखिए मैं रन करता हूँ अभी, तो ये डिस्प्ले होगा। ओके, MRP, GDP, ये ऊपर का आउटपुट है सभी। इस तरीके से
लिस्ट बनाया जाता है। ओके, लिस्ट बनाने के लिए रेंज भी यूज़ कर सकते हो आप, इस तरीके से रैंडम नंबर्स भी ले सकते हो, और यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकते हो, स्ट्रिंग एरे भी ले सकते हो। ओके, यदि आप ऐसा करना चाहते हो कि यहाँ पर मैं इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ बीच में, ओके, यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग है, यहाँ पर इंटीजर है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो, यानी कि लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग टाइप की हो या इंटीजर टाइप की हो या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की हो, आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये सब तरीका है फॉर लूप जो कि यूज़ होता है लिस्ट की सारी वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए। अगर आपको सर्चिंग करना हो तो ये सिंपल तरीका है। ओके, लिस्ट में कोई भी वैल्यू सर्च करने का सिंपल तरीका। और अब अगर इंडिविजुअल एलिमेंट लिस्ट का डिस्प्ले करना चाहते हो तो इंडेक्स वैल्यू से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। तो आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा। इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।